रुक करते हैं आज की सुपर फास्ट खबरों की ओर। मध्य प्रदेश पंचायत सचिव सहायक सचिव महासंघ पंधाना ने ज्ञापन सौंपा, आपराधिक प्रवृत्ति के ग्रामीणों पर की कार्यवाही की मांग। मध्य प्रदेश सचिव सहायक सचिव महासंघ पंधाना ने आपराधिक प्रवृत्ति के नागरिकों पर कार्यवाही की मांग को लेकर कलेक्टर पुलिस अधीक्षक जिला सीईओ खंडवा के नाम कार्यवाही की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें, महासंघ के पदाधिकारी अशोक पटेल ने बताया कि विगत दिनों जनपद पंचायत पंधाना की ग्राम पंचायत धनोरा के प्रभारी सचिव कुंदनदिलावरे के साथ मारपीट, गाली गलौच, गोली व जान से मारने की धमकी देने की घटना 11 फरवरी 21 को हुई थी, जिसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई व आवेदन बोरगांव चौकी द्वारा लिया गया था, जिसका आरोपी आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिससे आपराधिक प्रवृत्ति के ग्रामीणों को बल मिला रहा है। सोमवार 21 फरवरी 15 को जनपद की ही ग्राम पंचायत घाटा खेड़ी के ग्रामीण ने सहायक सचिव हरिओम के साथ दूरभाष पर आपत्तिजनक व्यवहार किया है, जिससे पंचायत के सचिव और सहायक सचिव दुखी व आक्रोशित है। संघ द्वारा आरोप लगाया गया कि अपात्र हितग्राही योजना का लाभ लेने के लिए मनरेगा भुगतान के लिए दबाव बनाते हैं और झूठी शिकायत करते हैं, जो असहनीय है। अभी तो ये अगड़ाई है आगे और लड़ाई है, आवाज दो हम एक है, कर्मचारियों पर अत्याचार नहीं सकेंगे के नारे लगाए। जनपद पंचायत पंधाना में सीईओ के एल सोलंकी को ज्ञापन सौंपा, उसके बाद रैली के रूप में पुलिस थाना पंधाना व एसडीएम कार्यालय पंधाना पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और कार्यवाही की मांग की। चिंतनीय विषय यह है कि आखिर पंचायत कर्मियों के साथ ग्रामीणों द्वारा आपत्तिजनक व्यवहार क्यों किया जा रहा है। ज्ञापन में जनपद पंचायत कर्मचारी व पंचायतों के सचिव व सहायक सचिव बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। पंधाना से खंडवा दिल्ली में न्यूज टीम ने प्रकाशित हुई थी खास खबर। मैं राजेश पटेल, पंचायत सचिव संघ का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। आज सचिव और जीआरएस संघ जनपद पंचायत पंधाना ने जो ज्ञापन सौंपा है, किस संदर्भ में सौंपा है, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे कर्मठ सचिव, सहायक सचिव, ये शासन की जनकल्याणकारी योजनाएं जितनी भी चलती है, उनको अंतिम छोर के व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचाते हैं, और उसी में जो अपात्र व्यक्ति होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास का हो, शौचालय का हो, या अन्य प्रकार की योजनाएं जिसमें वो पात्र नहीं रहते हैं, उनको लाभ नहीं पहुंच पाता है, तो वो हमारे साथी उनके साथ में, क्योंकि जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं उनके साथ में, सहायक सचिव सचिव उनके साथ में अभद्र व्यवहार किया जाता है, गाली गलौज की जाती है। और अभी कल की एक घटना थी, उसमें उसका जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है वो अभी हमने सीओ साहब को, एसडीएम मैडम को और टीआई साहब को दिया हुआ है, जिसमें वो स्पष्ट गंदी गंदी गालियां दे रहा है, जान से मारने की धमकी दे रहा है। और उसी के चार रोज पहले एक हमारे साथी के साथ में धनोरा में घटना हुई थी, उसको पंचायत में मारा गया था, जिसका आवेदन बोरगांव चौकी प्रभारी को दिया है, जिसपे आज तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो हमारा आज एसडीएम मैडम साहब को और टीआई साहब से निवेदन यही करा है कि साहब, अगर इन पे कार्रवाई नहीं हुई है तो अन्य लोगों के भी हौसले बुलंद होते जाएंगे और ये घटनाएं होती जाएगी। तो अब ये इस टाइप के लोगों को आप उठा के लाओ और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो।